चलें। काहे पे आ रहे ग्रुप में? याद क्या करना है वो तो आप पढ़ते ही जाओ, जिसी के यहाँ क्वेश्चन है जनरल नॉलेज जैसे। चलिए 17वें नंबर का, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक्ता लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। दौले समझ सुने चित सयाने काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो साम्यक नहीं होवे। पढ़े पूरा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा। सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। दौले समाजे तुने चित सयाने काल मृथा मत खोवे। ये नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक। चलिए इस छंद में अंतिम छंद है तीसरी ढाल का, और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र भी वो असमीचीनता लिखा है हेडिंग में, मतलब समीचीन नहीं होता है। समीचीन नहीं होता मतलब सम्यक नहीं कहलाता। सम्यक दर्शन नहीं कहलाया होगा तो आपका ज्ञान और चारित्र ये दोनों भी सम्यक नहीं कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है, मिथ्या दर्शन रहेगा तो ज्ञान भी मिथ्या होगा और चारित्र भी मिथ्या होगा। बात समझ गए ना? ऐसा नहीं हो सकता कि दर्शन तो आपका मिथ्या है, मिथ्या दर्शन, और ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए और चारित्र सम्यक चारित्र हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान भी होगा और वही सम्यक चरित्र भी कहलाएगा, और नहीं होगा तो मिथ्या दर्शन होगा तो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा और मिथ्या चरित्र कहलाएगा। ठीक, तो यही कहा है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है, पहला पायदान है। क्या मतलब? जिस प्रकार से हमें छत पर जाना है तो छत पर जाने के लिए हमारे पास सीढ़ी रखी हुई है या जीना बने हुए हैं घर में, तो ऊपर जाने के लिए सबसे पहले हमें पहली सीढ़ी पर तो पैर रखना ही पड़ेगा। पहली सीढ़ी पर पैर रखे बिना हम दूसरी और तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। ठीक है, यदि ज्यादा ही अपन वो दिखाएंगे कि नहीं हम तो लगा लेते छलांग, हैं तो आप जबरदस्ती करके एक बार दो बार तीन बार कर लोगे लेकिन रूटीन नहीं बना पाओगे दूसरी तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने का, है कि नहीं जबरदस्ती। लेकिन वैसे ही पहली सीढ़ी जो है वही पहला पायदान होता है। वैसे ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन सीढ़ियां हैं, और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, और मोक्ष रूपी महल पर जाना है उसकी पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, उस पर पैर रखना ही पड़ेगा, उसके बिना आप दूसरी तीसरी सीढ़ी तक जा नहीं सकते। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, या बिन इसके बिना ज्ञान चरित्रा, ज्ञान और चारित्र सम्यक का नाल है, ऐसे अर्थ लेंगे इसका। इसके बिना ज्ञान और चारित्र पीछे लिखा है, इसके बिना
ज्ञान और चारित्र सम्यक का नाल है, सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान और चारित्र भी सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता है। सो इसलिए दर्शन, ऐसे सम्यक दर्शन को धारो, धारण करो। भव्य, हे भव्य जीवो, पवित्रा, पवित्र। पवित्र किसको कहा है? सम्यक दर्शन को। तो हे भव्य जीवो, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। ठीक है ना, लगाओ फिर से आप लोग अर्थ। ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है और इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते हैं, समीचीन पने को प्राप्त नहीं होते, मतलब समीचीन नहीं कहलाते। इसीलिए हे भव्य जीवो, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। ठीक। अब आगे, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। हे दौलत, दौलत राम अपने आप को कह रहे पंडित जी, दौल, दौल मतलब दौलत, दौलत राम जी अपने आप को कह रहे हैं कि हे पंडित दौलत राम, समझ सुन चेत सयाने, हे सयाने समझदार व्यक्ति, समझ लो, सुन लो, चेत जाओ। काल वृथा मत खोवे, और इस काल को, इस समय को व्यर्थ में मत खो, व्यर्थ में मत गवाओ। जो समय मिला है, इस समय को टीवी देखने में, बाकी सब चीजों में न गवाओ, क्योंकि ये तो अपन को जिंदगी भर करते ही रहेगा, जितने करते रहेंगे उतना कम है। इसलिए जितना समय निकाल लो उसमें से, उतना काफी है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी में जाते हैं, ठीक है, तो कई बार हमें उनसे तो कहने का मन ही नहीं होता कि आप लोग भी आधा पौन घंटे की क्लास ज्वाइन करो। कैसे के वैसे 6-8 घंटा जो भी अपना अपना जॉब करते हो, करके और लौटते हैं, फिर काम नाम करते हैं। खासकर महिलाओं को तो डबल डबल काम हो जाता है फिर, कि उधर भी जाओ, फिर आकर के घर का काम भी करो, फिर कहो कि फिर स्वाध्याय करो, तो नहीं होता। लेकिन फिर भी कई लोग करते हैं, मतलब ये समझ में आता है कि जिनको करना होता है वो हर जगह से टाइम निकाल लेते हैं। वो नौकरी भी कराते हैं, मंदिर का भी कर लेते हैं, घर का भी कर लेते हैं, और जिनको नहीं करना होता है तो 24 घंटा भी कम पड़ जाते हैं उनके लिए, है कि नहीं। तो अपन को समझना चाहिए कि जो बाकी पेशेवर काम नहीं करते हैं, घर का ही काम संभाल रहे हैं, तो घर के काम में अपन को एडजस्टमेंट करके और ये हिस्सा निकाल के रख लेना चाहिए। यदि ये हिस्सा आपने निकाल के रख लिया है तो ये समझ के चलिए कि ये आपके लिए बहुत सिद्धि दे देगा। यदि अपन ने इसको भावों के साथ में, जबरदस्ती में नहीं कि भैया ये तो फॉर्म भर दो तो समय निकाल ले, नहीं तो फिर पढ़े नहीं तो फेल हो जाए, नहीं। आप पहले इसको अपना मानो कि हमें करना है, हमारे दिल से ये भावना है, तो वो भलेगा, नहीं तो नहीं भलेगा, है कि नहीं। तो ये करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग, इसलिए हमने एक मैसेज भी डाला था अभी कि बहुत सारे लोग हैं फॉर्म तो भर गए लेकिन वो चिमा गए, मतलब ना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, मतलब उनका स्वाध्याय का क्रम नहीं बनाया हमने। हम ये चाहते हैं कि आधे घंटे को आप स्वाध्याय का क्रम बनाओ, क्लास नहीं, स्वाध्याय। ये स्वाध्याय का है, संडे को हमारा नहीं भी चलता है तो आपको आधे घंटे बैठना चाहिए, चाहे घर पे बैठो, पढ़ना चाहिए इसका। यदि ऐसा होता है तो वो देखना हर चीज में आपको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए काल वृथा मत खोवे, इस समय को व्यर्थ में नहीं खोना। क्यों? यह नर भव फिर मिलन कठिन है, क्योंकि यह नर भव मिलना, ये मनुष्य भव मिलना
फिर कठिन है, ये बहुत कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए। कब कठिन है? जो सम्यक ना हो गए। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो, सम्यक दर्शन यदि हो गया तो आपको फिर से मिल जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव यहां से देवों में जाएगा और देवों से फिर वापस यहीं आएगा, मनुष्य ही बनेगा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर त्रियंचों में और नरकों में कहीं भी जा सकता है, समझ रहे? ठीक है, तो ये चीज याद करने की नहीं, अब अपन लोगों को समझने की भी है। ठीक है, बच्चों को तो रटवा देते हैं कि भैया याद ही कर लो, तो उनको तो रटने की चीज हो जाती है, लेकिन अपन लोगों को अब समझने की भी चीज है जिंदगी के लिए कि यह नर भव पर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए, जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। लाइन का अर्थ भी समझना, जो सम्यक ना हो गए, यदि जो मतलब यदि यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह नर भव फिर मिलन कठिन है, फिर समझ लो कि ये फिर मनुष्य भाव तो आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, इसलिए जितना हो सके सम्यक दर्शन के करीब पहुंचना है, या फिर जेर मान के बैठ जाओ कि भैया दूसरा जन्म होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये अपनी मानसिकता बनाते हैं कि जो जिंदगी है यही है, यही जीवन है, चारवाक मति उसे कहते हैं। चारवाक दर्शन होता है, एक बार हमने बताया था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले लेकर के घी पियो। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि ये देह जब भस्मी भूत हो जाएगा तो पुनः लौट के नहीं आएगा। तो यदि ऐसी मान्यता बना लो, या फिर ऐसी मान्यता बना लो कि ये यही जिंदगी है, तो हमें ऐसो आराम से जो कुछ मन में है वो ही कर करके जीना है और कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसी मान्यता बना लो, फिर आपको कुछ नहीं करना। हम तो फिर तो मंदिर भी आने की जरूरत नहीं है, क्यों आना मंदिर? क्यों आ रहे हैं? प्रभु के दर्शन क्यों कर रहे हैं? कल्याण के लिए, अगला जन्म सुधर जाए, मोक्षी मार्ग पे लग जाए। जब अगला जन्म ही अपन नकार दे रहे हैं तो बात ही खत्म हो रही जरा चीज की, समझ रहे ना? तो या तो आप यही मानना बंद कर दो कि अगला जन्म होना भी है, चार वागमती बन जाओ, और यदि ये मान के चलते हैं कि है अगला जन्म है, तो फिर उसकी तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पंडित जी ने अंतिम छंद में बहुत अच्छी शिक्षा यहां पर दे दी है। चलिए, शिक्षा में जो दो तीन बातें लिखी हैं वो भी पढ़ करके, इस तीसरी ढाल के अध्ययन से हमें तीन बातें सीख लेना चाहिए। कौन सी? जीवन में सच्चा सुख निराकुलता में है। निराकुलता का नाम ही सुख है, सुख की परिभाषा ही है निराकुल परिणाम। ठीक, तो निराकुलता में ही सुख है, और जीवन में निराकुलता पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सही आचरण होना आवश्यक है, तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा। दूसरी बात, जीवन के प्रति हमारी दृष्टि निर्मल होना चाहिए। जीवन के प्रति हमारी दृष्टि निर्मल होना चाहिए, हमें प्रतिक्षण सजग रख कर देखना होगा कि हमारा कहीं हमारा अविवेक, हमारी मिथ्या आकांक्षाएं या हमारा अहंकार हमारी दृष्टि को मलिन तो नहीं कर रहा। मतलब हमारा घमंड, हमारी झूठी आकांक्षाएं इच्छाएं जो हो ही नहीं सकती फिर भी बना के बैठे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं, दूषित करते हैं। तीसरा, सम्यक दर्शन या दृष्टि की निर्मलता अत्यंत दुर्लभ है। दृष्टि की निर्मलता मतलब हमारा जो सम्यक दर्शन है, दर्शन वो निर्मल हो, सम्यक दर्शन शुद्ध रहे, ये बड़ा कठिन है। हमें अपने जीवन में इसे प्राप्त करने का अवसर नहीं खोना चाहिए। अवसर यदि मिले तो उसको लपक लेना चाहिए। जिन बिंब के दर्शन सतत शास्त्र स्वाध्याय, सत्संगति,
गुरु सेवा के माध्यम से आत्मस्वरूप समझकर हमें अपने श्रद्धान को दृढ़ बनाना चाहिए। आत्मरुचि, आत्मज्ञान और आत्मलीनता प्राप्त हो ऐसी भावना रखना चाहिए। इस प्रकार से ये तीसरी ढाल यहाँ पे समाप्त हो गई है। आगे जो इसके प्रश्नोत्तर हैं ये भी हम लेंगे। प्रश्नोत्तर तो बहुत हैं, इसमें 40 प्रश्न हैं, लेकिन वही हैं जो अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसके प्रश्नोत्तर भी पूरे पढ़ेंगे और एक बार इसका पूरा रिवीजन भी एक दिन करेंगे। ठीक, तो अगले लगभग 2 दिन जाएंगे इसमें, फिर चौथी ढाल अपन शुरू करेंगे। ठीक, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 6 ढाल पूरी हो, जिससे कि भाग 1, 2, 3 का फिर से रिवीजन हो जाए, है ना। वो भाग छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं, है 15-15 चैप्टर हैं एक पार्ट में, खंड आ प्रखंड बा, 15 ई में 15 उ में 30, एक पार्ट भी एक दिन लेंगे ना तो पूरा महीना लगता है रिवीजन ही में, तो एक एक दो दो पार्ट लेने पड़ेंगे एक बार। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखो यदि आपने पूरा हमसे पढ़ते रहेंगे तो पास होने की आपको कोई झंझट नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ अर्थ सही तो नहीं पढ़ा, समझ के कोई दिक्कत नहीं, आपको अब समझ में आएगा आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है, उनके लक्षण क्या हैं? तो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। जो सत्यार्थ रूप है, ध्यान से पढ़ते जाइए, हम साथ साथ में, हमारे अकेले नहीं सुनो, पुस्तक में देखते भी जाओ, उसी को पढ़ रहे हैं अलग से नहीं। इसमें पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि देखते भी जाएंगे तो 2 काम होते हैं, सुनते भी और देखते भी, तो मेमोरी मजबूत होगी आपकी इस संबंधी। जो सत्यार्थ रूप है अर्थात जिसके संपन्न होने पर उत्तर काल में मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है। सत्यार्थ किसे कहते हैं कि जिसके प्राप्त हो जाने पर वह मोक्ष मिल ही जाएगा, सत्यार्थ, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसको कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग, जो सत्यार्थ रूप होता है, जो सत्यार्थ रूप से निश्चय कारण सुव्यवहार, और जो निश्चय का कारण है अर्थात साधन है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक, जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो जो निश्चय का कारण है या साधन है व्यवहार मोक्ष मार्ग। प्रश्न नंबर 2, निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार्य का क्या लक्षण है? तो दूसरा छंद, पर द्रव्यंते भिन्न आप में, तो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि, ये निश्चय सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा का ही ज्ञान, ये निश्चय सम्यक ज्ञान, और अपनी आत्मा में ही रमण करना, ये निश्चय रत्नत्रय हो गया, अंतिम में निश्चय चार्य कहलाएगा। ठीक है ना, कितनी सिंपल सी परिभाषा है, अपनी आत्मा पर श्रद्धान करना, आत्मा के स्वरूप पर निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान कर लेना निश्चय सम्यक ज्ञान, और आत्मा में ही लीन हो जाना निश्चय सम्यक चार्य, तीनों आत्मा ही आत्मा, ये निश्चय रत्नत्रय कहलाया। क्या कहलाया, क्या हो गया, निश्चय रत्नत्रय हो गया, रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार्य। ठीक, तो निश्चय रत्नत्रय हो गया। व्यवहार सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है? तो हिंसा रहित धर्म, क्षुधादि 18 दोष रहित देव, और निर्ग्रंथ गुरु पर श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक, निर्ग्रंथ गुरु, सच्चे देव और हिंसा रहित धर्म पर श्रद्धा करना। धर्म की जगह अपन शास्त्र भी ले सकते हैं। ठीक है, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए शास्त्रों पर। बहिरात्मा किसे कहते हैं? पुद्गल परमाणुओं के पिंड से निर्मित शरीर को जो चैतन्य स्वरूप आत्म द्रव्य मानते हैं वे बहिरात्मा है। पुद्गल पिंडों से बना है, परमाणुओं से शरीर, और इस शरीर को ही जो चैतन्य स्वरूप वाला आत्म द्रव्य माने
उसे कहते हैं बहिरात्मा, क्योंकि ये पुद्गल है। पुद्गल कभी चैतन्य स्वभावी नहीं हो सकता है। पुद्गलों में चेतनता आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। लेकिन यदि कोई ऐसा माने कि नहीं यही जीव द्रव्य है तो क्या कहलाएगा? वो बहिरात्मा। ठीक। अंतरात्मा का लक्षण क्या है? अंतर आत्म ज्ञानी, अर्थात जड़ एवं नाशवान शरीर से चैतन्य स्वरूप अपने आत्म द्रव्य को भिन्न मानने वाले आत्मा को अंतरात्मा कहते हैं। मतलब शरीर और आत्मा को भिन्न माने जो कि चैतन्य स्वभावी आत्मा अलग है और इस जड़ शरीर अलग है। जड़ शरीर नाशवान है और चैतन्य आत्मा अविनाशी अविनश्वर है। ऐसे दोनों में भेद जो जानता है वो कहलाएगा क्या? क्या कहलाएगा? अंतरात्मा। तो क्या मतलब बहिरात्मा? वो है जो शरीर को ही आत्मा मान के चलता है, एक मान के चलता है। और जो व्यक्ति दोनों में डिफरेंट करने लग गया कि नहीं भाई ये शरीर अलग चीज है और जीव द्रव्य ये आत्मा अलग चीज है, दोनों को अंतर समझने लगा, वो अंतरात्मा हो गया। ठीक। और परमात्मा कौन होता है? परमात्मा वो जो इस शरीर से रहित हो गए हैं, ये शरीर से सहित भी है लेकिन सकल निकल परमात्मा देव। सकल और निकल दो प्रकार के परमात्मा है। ठीक है। और अरहंत भगवान सकल परमात्मा है और शुद्ध परमेश ही निकल परमात्मा। शुद्ध उपयोगी किसे कहते हैं? शुभ अशुभ राग द्वेष की परिणति से रहित ज्ञान दर्शन की अवस्था, विशेष का नाम शुद्ध उपयोग है। क्या है शुद्ध उपयोग? शुभ और अशुभ इन दोनों की परिणति से रहित होकर के जो ज्ञान दर्शन की अवस्था है उसे कहते हैं शुद्धोपयोग। और ये कब होता है? मुनियों को होता है, मुनियों को होता है। लेकिन शुद्धोपयोग क्या चीज है? शुद्धोपयोग है ज्ञान दर्शन की अवस्था, जहां ना तो शुभ उपयोग होता है ना अशुभ उपयोग होता है। शुभ और अशुभ दोनों उपयोग खत्म हो जाते हैं, केवल ज्ञान और दर्शन की परिणति वहां पर केवल रह जाती है, उसी का नाम होता है शुद्धोपयोग। वहां केवल आत्मा का ही अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? सिर्फ आत्मा का अनुभव होता है और कुछ नहीं होता, उसे कहते हैं शुद्धोपयोग। और ये मुनियों को ही होता है, कोई गृहस्थ को नहीं हो सकता, छठवें गुणस्थान से ऊपर वाले मुनियादों को शुभ उपयोग हो सकता है, चौथे से छठवे तक शुद्ध नहीं हो सकता अपन को। देश व्रति और अनगारी किसे कहते हैं? अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। श्रावक के व्रतों के धारी सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती जीव को देश व्रति। ठीक है। श्रावकों के व्रतों को धारण करने वाले सम्यक दृष्टि जो पंचम गुण स्थान वर्ती है वो जीव देश व्रति कहलाते हैं। और परिग्रह से रहित छठवे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को अनगारी कहते हैं। समझ गए? देशव्रति कौन? जो व्रत धारण कर लिए हैं प्रतिमा धारी आदि। और अनगारी कौन? छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज वो अनगारी कहलाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल यहाँ के पूरे प्रश्न अपन कंप्लीट करके और परसों ढालकर रिवीजन करेंगे पूरा। ठीक। चलिए जनवाणी जावाणी के ज्ञान से सुझे लो का।